जानब तो इमरान खान को लंबे अरसेर तो बढ़ता जा रहा है और बानी मुमकिन तौर पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने से मुलक बरतानी वजी खार्जा का रद्द अमल सामने आ चुका है तो जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है के मामले में जो इस वक्त अपना मौकफ अपनाया है डोनल्ड ट्रंप को भी पीछे छोड़ दिया है इस सब में हुकूमत को हिलाने के लिए एक ऐसा खत आ चुका है जो सिस्टम की की रातों की नींदें हराम अमरीका के छियालीस तो कि पहले पहले को कांग्रेस ने, ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया है आउट गोइंग प्रेजिडेंट है अमरीकी तरफ इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में रखने का प्लान बना चुकी है जबकि दूसरी तरफ बरतानवी वजा का बड़ा स्टेटमेंट सामने आ गया बरतानवी वजीर खारजा ने डोनाल्ड ट्रंप को भी पीछे छोड़ दिया है और अब इमरान खान की रहाई पक्की हो चुकी है नदीन आए पहले मुकम्मल वीडियो देखते हैं फिर इस पर हम तफसी से बात करते हैं इन्हे खराब हुकूमत हिलकर प्रेशर बढ़ता जा रहा है

को मिलिट्री की तहवील में देने की बात हो रही है एक ऐसे वक्त पे जब फैज हमीद के कोर्ट मार्शल कंप्लीट होने और फैज हमीद को सजा सुनाए जाने के हवाले से जो खबरें हैं वो आ रही है कि 24 तारीख की फाइनल कॉल से पहले पहले ये आ, सजा दी जा सकती है और उसके बाद इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में लिया जा सकता है एक ऐसे वक्त पे अमेरिका और बरतानिया से आवाजें उठना बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है और ये जो पिछले दिनों खबरें चल रही थी ना कि अराकिने पार्लियामेंट ने खत लिख दिया बरतानवी और अब ये कहते थे कि कुछ नहीं होगा इससे क्या होगा यहां से जी हुआ ये कि वहां से खत लिखा तो यहां पे हमारे जो एम एन एज नून लीग के और हुकूमती उन्होंने शहबाज शरीफ को खत लिख के ये समझा कि शायद इसी तरह खत खत खेलेंगे लेकिन एक तरफ तो अब बरतानवी जो वजीर खारजा है उन्होंने नाजीन क़राम अपने जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्होंने उन्हें खत लिखा उन्हें जवाब दिया है और इस जवाबी खत में इस दस्तावेज में जो बातें की गई हैं वो सिस्टम के लिए काफी परेशान कुन है अगर तो सिस्टम ट्रूली इन ट्रू सेंस इमरान खान साहब जो है उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहता है लेकिन उससे पहले अमरीका से एक बड़ी डेवलपमेंट है अमरीका के छियालीस अरकी कांग्रेस ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया है आउट गोइंग प्रेजिडेंट है अमरीकी अरकान कांग्रेस ने खत में पाकिस्तान में इंसानी हकूक से मुतल एबान नुमाइंद की करारदाद पर इकदाम करने की अपील कर दी है और कहा है कि बानी पी टी आई समेत दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए हंगामी बुनियादों पर जो वकालत है वो की जाए यानी कि जो यूएन वर्किंग ग्रुप जो है उसका जो एक रिपोर्ट आई थी उसकी उसके तनाजुर में भी और अमरीकी वाले नुमाइंद की करारदाद के तनाजुर में भी अब आपने किरदार अदा करना याद रखिएगा ये खत सिर्फ बाइडन के लिए नहीं है ये खत आने वाले जो आपके सदर है अमरीका के डोनल्ड ट्रंप उनके लिए भी है क्योंकि यह अमेरिकी व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस के अंदर मेज पे पड़ा होगा जब ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे तो उनके सामने यह फाइल पड़ी होगी इसलिए इस खत की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है खत के बतन के मुताबिक पाकिस्तान में दो हजार चौबीस के नाकस इलेक्शन के बाद इंसानी हकूक पामाल किए गए पाकिस्तान की अहम सियासी जमात पीटीआई को इंतबात से दूर रखने की कोशिश की गई मुख्तलि हरबों के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत में कामयाबी हासिल की खत में कहा गया कि इलेक्शन में खदशात से मुतलिक रिपोर्ट्स को हुकूमत ने शायद होने से रोका बानी पीटीआई समेत दीगर रहनुमाओं को मुसल

अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बता क्या रहा है उन्हें पाकिस्तानी वाजे कर दिया है और, को और जो बुनियादी आजादियां बेसिक राइट किसी के उन्हें मद्देनजर रखना होगा इमरान खान समेत सिविल अफराद के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पर तशवीश होगी अगर ऐसा कुछ होता है ऐसी अदालतें शफाफियत से महरूम हो

कॉमन्स जो है जो उनके अवान नुमाइंदगा आप कह लें या लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं है, उनके बीस लोगों के और ये अपने वजीर खारजा को खत लिखा और अब इसका जवाब खारजा से जिससे एक चीज वाजी हो गई हुकाम जो है, वो भी इन तमाम तरह चीजों के ऊपर बहुत गहरी नजर रखे हुए हैं और ना सिर्फ गहरी नजर रखे हुए हैं बल्कि पाकिस्तानी हुक्म से रबते में भी है इमरान खान के मुमकिन मिलिट्री ट्रायल के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर ये मिलिट्री ट्रायल हो जाता है तो हमें बिलाशुबा कोई

ट्रंप का मास्क उसने फैमिली फोटो में उसे खड़ा कर दिया जिसका ट्विटर है। और तक भी पाबंदी लगाई ना ट्विटर पे तो हम यूरोप की भी बंद कर देंगे नेटो की बंद कर देंगे, हो जाएगा। तो मुझे लगता है, पाकिस्तान को तो डायरेक्ट उन्हें कोई तड़ी लगाने भी नहीं पड़ेगी जब उन्होंने देख लिया कि एक बड़े चौधरी ने छोटे चौधरी को अमरीका ने यूरोप को तड़ी लगा दी है तो हम किस खेत की मूली है तो इसके अंदर ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है पर जाकर रुकता है आपने लिखा कि कैसे हमारी हुकूमत इमरान खान को जेल में रखने का प्लान बना रही है मगर अब बरतानवी वज़ी खारजा ने साफ अल्फाज में कहा है कि हम सब हालात पर नज़र रखे हुए हैं अगर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करने की कोशिश की गई तो इसके संगीन नतज फिर पाकिस्तान को भुगतना पड़ेंगे नाजीन आपका क्या ख्याल है इमरान खान का मिल्टी ट्रायल पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट कर पाएगी या नहीं आप अपनी राय से हमें जरूर आगा करें नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त अल्लाह हाफिज़